गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन दोनों का एक ग्रुप बनता है और ये दोनों मिलकर सतनाम कहलाते हैं। दो अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। तो इनकी सिमरण की विधि भिन्न भिन्न है, इकट्ठी नहीं होती। तो ये तो है हमारी मजदूरी, क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हैं और यहाँ रह करके हम कर्जवान हो गए। और हमने यहाँ से जाने के लिए परब्रह्म अक्षर ब्रह्म के लोकों में से पार होना है, सात संग ब्रह्मंडों में से। तो उसकी ये कमाई उसको देंगे हम, इसका किराया देंगे, तब वो हमें अपने लोक से बाहर जाने देगा। तो पुण्यात्मा और सत मंत्र जो है वो पूजा है हमारी, वो सत जो नाम होगा वो पूजा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा ब्रह्म परब्रह्म गणेश जी, ये हमारा एक परिवार है, ये हमारा एक परिवार है, ये हमारे यहाँ के मालिक हैं और हम इनके अधीन हैं। ये अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, स्वामी हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, एक ब्रह्मांड में। और इनका पिता जो ब्रह्म है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और परब्रह्म जो है ये अक्षर ब्रह्म जो है ये सात संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। ये भी राम है, ये भी साहब है, ये भी प्रभु कहलाता है, ये इतना प्रभु है। और परम अक्षर ब्रह्म जो है ये असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड ये सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित, ये सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है। अपुनात्मा हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी आपको मंत्र देते हैं। हम यहाँ युगों युगों से फंसे पड़े हैं इस काल के जाल में और यहाँ रह करके हम ऋणी हो गए हैं। गलत साधना करके हमारी भक्ति कमाई बनी नहीं, जो पुण्य हमारे थे सतलोक से हम लेकर आए थे वो समाप्त हो चुके हैं, देवता बनकर हमने खा लिए। अब हम क्या करते रहे, जैसे किसी ने हमें बताया कि ओम नाम का जाप कर, कोई संत गुरु आते हैं जो काल भेजता है अपने सत्र के भी गुरु बनाकर, तो उनसे नाम लेकर हमने ओम नाम का जाप किया। ओम नाम का जाप किया तो उस ओम नाम के साधना की भक्ति की शक्ति से हम ब्रह्म लोक पहुँच गए। और ब्रह्म लोक में गीता जी दयानंद राठ के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनर्वर्ती में हैं। वहाँ जाकर भी हम अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर यहाँ नरक में डाल दिए जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में पृथ्वी पर पटक दिए जाते हैं। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हम अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं, ये हमें दंड है। और हम इतने पाप इकट्ठे कर लेते हैं कि नरक में भी भोग लेते हैं, उसके बाद भी कुछ शेष रह जाते हैं जो यहाँ भोगने होते हैं। तो ऐसे हम अपने पुण्यों को बर्बाद करते रहे। ओम नाम का जाप किया, हम ब्रह्मलोक में चले गए, कई हजार वर्षों तक युगों तक वहाँ रह गए और फिर वापस आ गए, फिर खाखी नोके नो खोखले आते ही गोदे बन गए। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना भी करते रहे, कोई किसी मंत्र से, कोई किसी मंत्र से, लेकिन उनके जो मंत्र तुम करते थे पहले, जैसे जय राम जय जय राम सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है। इनके भी मंत्र विशेष हैं। जैसे ब्रह्म वेदी आप सुबह नित्यनेम करते हो, उनमें 500 गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी,
शिवजी और दुर्गा इन सभी के मंत्र हैं। इन मंत्रों का कहीं कहीं संकेत शिव पुराण और देवी पुराण में भी है, लेकिन कोई एक मंत्र जपता था, कोई दो जपता था, कोई तीन जपता था। तो जितने सतर की भक्ति की उसी सतर से उतने समय तक उन देवताओं के लोकों में वो चले जाते थे और वहाँ अपने पुण्यों को समाप्त करके वो फिर वापस आ जाते थे। तो अब ये दास आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देगा। जैसे पहले नीम हकीम गुरु थे, उन्होंने आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो कंप्लीट ट्रीटमेंट है पूर्ण मोक्ष के लिए। कंप्लीट उपचार क्या है? पूर्ण उपचार कि हमने सबसे पहले हमारे शरीर में बने जो कमल हैं इनमें भगवानों का आधिपत्य है। कौन कौन? गणेश जी का, सावित्री ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी विष्णु जी का, नाभि कमल में शिव जी पार्वती का, हृदय कमल में और कंठ कमल में दुर्गा का, और त्रिकुटी कमल के ऊपर जाकर के एक दो दल का रास्ता है, जहाँ पर एक त्रिकुटी ऐसा समझो इंटरनेशनल प्लेटफार्म एयरपोर्ट, और उसके बाद फिर एक सेंसरार कमल है जो ब्रह्म काल का ओम नाम के जाप से सेंसरार कमल आगे जाता है, उसमें चला जाता है। तो हम आपको नाम देंगे, जैसे पहली बार आप सुनते हो कि महाराज जी वैसे तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश पूज्य नहीं है, और सर्वप्रथम नाम भी इन्हीं के दिए जाते हैं पूजा के लिए। ये पूजा के लिए नहीं है, ये मजदूरी है आपकी। ये मजदूरी करके आप इनसे ऋण मुक्त होना है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर है। ये आदरणीय है ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म, लेकिन पूज्य नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता लड़की अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार में रहती है अपने पति के साथ भी, तो वो देवर का जेठानी का, जेठ का जेठानी का, देवर देवरानी का, बड़ी छोटी नंदों का, सास और ससुर का यथोचित आदर करती है, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। भले ही वो सबसे वहाँ, क्योंकि एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए परिवार में, तो भले ही वो सबको, जैसे देवर को भी अपना छोटे भाई की तरह प्यार देती है और जेठ को बड़े भाई की तरह पूरा सत्कार देती है, ननंद छोटी बड़ी के साथ भी बहुत प्यार से बोल रही है, लेकिन हृदय उसका अपने पति से जुड़ा हुआ होता है। अब सब कुछ करते हुए जब वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, वो महसूस भी नहीं होने देती कि मैं कुछ अलगाव सा रखती हूँ, लेकिन जिसमें वो भिन्न भिन्न होते हैं वो कुणबा न्यारा होता है। तो जो भी उस लड़की के हिस्से में बंटवारे में जो संपत्ति आती है, सामान आता है, ये थाली बेला लोटा चम्मच गिलास बाल्टी सारे ठाठा का अपने कमरे में धर लेगी, अपने पति के साथ चुप करके चली जाएगी, झाँखे भी को नहीं वापस उनकी तरफ। तो ऐसे ही हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में परिवार में रह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म ये हमारा परिवार है, ये आदरणीय है। जब तक हम इनके साथ हैं, यहाँ रह रहे हैं, ये हमें बुरे नहीं हैं, लेकिन ये हमारे नहीं हैं। हमारा तो अपना पति है, अपना मालिक है कबीर जी। जब हम यहाँ से अलग होंगे, सतलोक जाएंगे, अपना सारा सामान जो भक्ति साधना सतलोक सतर की हमारे हिस्से की है उसको लेकर अपने मालिक के साथ चल पड़ेंगे, हम फिर झांकेंगे नहीं इनके साथ। ये हमने बुरे भी नहीं, लेकिन ये अपने नहीं। जैसे वो लड़की अलग हो जाती है अपने पति के साथ, वो देवर जेठ जेठानी सास ससुर बुरे भी नहीं है, लेकिन वो उसके नहीं थे, उसका तो केवल एक पति था। तो ऐसे ही हम जब यहाँ से चलेंगे तो हम अपने इनके हिस्से की जो कमाई है इनको दे देंगे। जैसे ये पहले वाले आपको सात मंत्र दिए जाते हैं, तो बीच के पांच मंत्रों का जो धन है, इसकी साधना का जो प्रतिफल है, हम इन्हीं देवताओं को दे देंगे और ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे। फिर चलते समय ये कोई बाधा हमारे नहीं करेंगे। जैसे आप जी विदेश गए हो और विदेश में आपने कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाई, कोई धंधा कारोबार किया, वो ठीक ना चला क्योंकि आपकी
तरीका ठीक नहीं था। आपका बिजली का कनेक्शन कट गया क्योंकि बिल नहीं भर पाए, टेलीफोन का कनेक्शन कट गया क्योंकि आपने उनका पेमेंट नहीं किया, ऐसे ही पानी का कनेक्शन कट गया और भी गैस कनेक्शन कट गया, आप कति विवश हो गए, आपत्तियों ने घेर लिया, तो उसका क्या होगा कि जैसे वहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो और वो आकर के आपके संपर्क में आ जाता है और सरकार को वो गारंटी देता है कि भाई ये इनके कनेक्शन चालू करो, गारंटर बन जाता है और ये कमाई करके तुम्हारे पैसे धीरे धीरे दे देंगे, तो ऐसा कंप्रोमाइज करा देता है, तो फिर वो उसको साधना सही बता दी जाती है, उसकी कमाई का विधि सही बता दी जाती है, तो फिर वो साधना यानी मजदूरी कर करके उन बिजली वालों का वर्तमान का बिल भी और पिछले का एरियर भी किस्तों में देना शुरू कर देते हैं और वो उनको लाभ देना शुरू कर देते हैं। ऐसे हम जो आपको प्रथम मंत्र दे रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा जी की मजदूरी है, इनकी इस मजदूरी से ये आपको ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन जारी कर रखेंगे यदि आप साधना ठीक करते रहोगे, मर्यादा में रहते हुए। इन्हीं मंत्रों के साथ आपको दो मंत्र और दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, वो मंत्र पूर्ण परमात्मा की साधना के हैं, वो कमाई ऊपर तलने की है। अब फिर क्या होता, जैसे ये एक दो पंथ चल रहा है, इरादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये ठेका ले रहे सतलोक का और ये पांच नाम देते और पांचों काढ़ के बता सतलोक कैसे जाएंगे, बोवें पेड़ बबूल का आम कहाँ से खावें। पुण्यात्मा कोई ये कहे कि मैंने आम का बाग ला रखा है और कौन सा बीज बो रखा, वो थैली में कुछ बो रखा कुछ वहाँ रखा है, तो माड़ी बता देगा कि ये आम का है या किसी अन्य का, तो बीज से ही वृक्ष बनता है, तो उनके बीज हैं मंत्र, मंत्र से हमारी कमाई का अंकुर फूटेगा, इस मंत्र से ही हमारी भक्ति बनेगी, इस मंत्र रूपी बीज को हम बो करके इसकी सिमरण रूपी सिंचाई करेंगे तो यही आगे चल के अंकुर बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। अब बीज ही गलत बो रखा है, बात बना हुआ आम की, बीज तो ये पांचों नाम काल के ज्योत निरंजन रंकार सोहम और सतनाम ओंकार, ये पांचों नाम काल के दे रहे हैं, सोहम और सतनाम ये फुट्टे बाग परे इसे गुरु मिले, सतनाम सतनाम दूंगा, सतनाम जाप करो, कुछ कबीर पंथी भी ये नाम देते हैं सतनाम सतनाम, और न सतनाम का पता नहीं सतनाम है कौन सा है तेरा के जो भैया, तो ये पांचों नाम काल के दे रहे हैं और बात बनाओ सतलोक जाने की नहीं जा सकते, स्वप्न में भी नहीं जा सकते। और ये साथ में क्या कहते हैं कि हमने गीता जी और वेदों और पुराणों की आवश्यकता नहीं पढ़ने की, क्योंकि हमारे गुरु जी का ज्ञान गीता वेदों और पुराणों से ऊपर का है। हमारे गुरु जी तो बताते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, सीधे त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी ये तो वैसे संकेत किया जाता है, इसके पीछे यहाँ बैक साइड में, ये बैक साइड में है जहाँ ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं ना, चोटी यहाँ से चोटी रखा रहे इतनी लंबी रखा रहते पहले, तो ये यहाँ है वो पीछे की तरफ, उस चोटी से दो उंगल नीचे, चोटी मतलब सहस्रार कमल है, चोटी के नीचे होता है सहस्रार कमल, उससे दो उंगल नीचे, तो यहाँ दो तीन उंगल नीचे वो यहाँ है त्रिकुटी। तो ये क्या कहते हैं, हम तो सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, ढाई घंटा सुबह साधना करते हैं, ढाई घंटा शाम को करते हैं, ये कहते हैं त्रिकुटी में जाते हैं, त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड तो है नीचे, पैदल चला जाओ तो साइकिल पर चढ़ के पहुँच जाओ वहाँ तक, त्रिकुटी तो पर जाने से पहले तो बहुत कुछ हमने अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने आना है, स्वदेश आना है और उस देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना है, उससे पहले वहाँ की सरकार से सारे ऋण मुक्त करवाने पड़ेंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट वापसी बनवाना पड़ेगा, तब हम स्वदेश आ सकते हैं। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और इन सब दुर्गा आदि से अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम
त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, त्रिकुटी के ऊपर इस काल भगवान ब्रह्म का अकाउंट करना है। हम क्या करते रहे कि पहले ओम नाम का जाप करते, कुछ हठ योग करते, तो ओम नाम के जाप की कमाई हम ब्रह्मलोक में समाप्त करते देवता बनकर। तो महास्वर्ग कहो, एक स्वर्ग है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी के लोक हैं, उनमें भी स्वर्ग हैं। स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है? जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, जैसे साहूकार लोग, सेठ धनी व्यक्ति कुल्लू और मनाली शिमला में चले जाते हैं मई और जून के महीने में। 10 महीने मेहनत करो, कुछ पैसा जोड़ो, घना धन हो गया, बच गए पैसे, तो 10-20-50 हज़ार रुपये लेकर जिसका वित्तीय हालत है जैसी भी है उसके आधार से 10 दिन, 5 दिन, को महीने को 2 महीने, तो वहाँ कुल्लू मनाली शिमला चले जाते हैं और वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेते हैं। वहाँ सुख तो वो भोगते हैं, जैसे बढ़िया मौसम वातावरण है, घंटी बजा दी भाई आ जाएगा, हैं जो मांगे वो खाने को मिल जाएगा, अपना खूब मस्ती मार सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, लेकिन जेब कट रही है स्वयं की, वो पैसे आप जी के ख़त्म हो रहे हैं। और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तुरंत अपने आप सोच लेता कि यहाँ से गोली हो ले, अब चल ले बसी बिना अड़, कोई टूक भी नहीं देगा, तो वो तुरंत वापस उसी कर्म क्षेत्र में आ जाता है। फिर अगले वर्ष हो सकता है उसको कोई ऐसा धन प्राप्ति हो ना हो कि वो 2 महीने रहने पाओ उस रेस्टोरेंट में शिमला में या ना पावे, ये अगला वर्ष ही बताएगा। तो ऐसे ही हम अपने यहाँ पुण्य करते थे, स्वर्ग में उस होटल में बर्बाद करके फिर यहाँ कर्म क्षेत्र में वापस आ जाते थे। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे साथ स्वर्ग सबसे बड़ा धोखा है जो हमारी कमाई का नाश करता है, तो हमने इसकी स्वप्न में भी इच्छा नहीं रहेगी कि हम स्वर्ग या महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक में नहीं जाएंगे। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी कमाई आपकी फिर भी इतनी शेष रह जाएगी कि आप इनका ऋण उतार कर भी, कि काफ़ी वर्षों तक आप ब्रह्मा के लोक में, काफ़ी वर्षों तक शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, गणेश जी के लोक में, दुर्गा के लोक में, वहाँ भी देवता पद प्राप्त करोगे। जय यहाँ रह गए तय, जब पार ना हुई आँख नहीं खुलने देगा फिर आप जी की कई हजार युगों तक। तो हम ये गलती बहुत बार कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। अब तो कोई महामूर्ख करेगा जो इस ज्ञान से परिचित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके इस ऋण को यहीं छोड़ देंगे, और जब हम त्रिकुटी के ऊपर आएंगे इनका ऋण देने के बाद फिर भी उनकी कमाई बहुत बच जाएगी, तो वो और साथ में ओम नाम की कमाई हम त्रिकुटी पर लेकर पहुंचेंगे। तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा। अब जैसे आप जी यहाँ आते हो, और जब भी ये दास कुटिया से बाहर आता है आप जी की सीधी दृष्टि इस दास पर हो जाती है, गुरु जी कहाँ हैं, सब खड़े हो जाते हैं या बैठे देख रहे होते हैं। तो ऐसे वहाँ जब आप जाओगे आपको ऐसा ही समागम मेला भरा दिखाई देगा। तो वहाँ जाकर के फिर आप देखोगे अपने गुरुजी कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। तो आप जी जो यहाँ सतलोक जाने के लिए चल पड़े हो, वो 10-20-2-4 जितने भी हो गए, सीधे गुरुजी वो बैठे हैं, आप सीधे गुरुजी के पास पहुँचेंगे। इस दास के रूप में परमेश्वर वहाँ होंगे। और पुण्यात्माओं, आपको बार बार कहा जाता है, गुरु मानस कर जानते ते नरक ये अंध, और ओहें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगाए, उनको याद रखें। तो जैसे आप व्यवहार यहाँ इस दास के साथ कर रहे हो, तो वैसा ही व्यवहार आप वहाँ करोगे मालिक के साथ। क्योंकि परमात्मा से जैसा व्यवहार हमने चाहिए, कैसे आधीनी के वचन हो, कैसी निष्कपटता हो, और कोई झूठ कपट गुरु जी के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ झूठ बोलने की आप ना आवश्यकता ही नहीं है। झूठ का तो कोई मतलब है नहीं, जो मेरा आगे आप झूठ बोलो, हाँ वो झूठ बोल सकता जो बीड़ी पीता हो, हेरा फेरी करता है, मिलावट करता है, कोई नियम तोड़ता है, वो झूठ बोलता है तो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। गलती हो जाती है तुरंत बतानी चाहिए, जी मेरे से ऐसे ऐसे गलती बन गई। दास एक टीचर है, आप मेरे विद्यार्थी हो, आपके भविष्य को देखते हुए दास आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है
कि खबरदार जो आज के बाद नियम तोड़ा तो नियम तोड़ते हो तो यहाँ मत आना। क्यों कहता हूँ? क्योंकि उनको परमात्मा साथ नहीं देगा, फिर काल चोट मार देगा, बदनामी कबीर जी की होगी। तो फिर उसका विकल्प ये है कि आपको पुनर्उपदेश दिया जाएगा। जिस दिन आप गलती कर देते हो आपका कनेक्शन कट जाता है, पीछे की जो कमाई है वह ज्यों की त्यों रह जाती है, उससे आगे कमाई आपकी बंद हो जाती है। तो दोबारा उपदेश कनेक्शन जोड़ा जाता है ताकि वो पावर फिर से आपके घर पर आपके आत्मा में अंतःकरण में पहुँचे। उपदेश ले लो, फिर झूठ बोलने की आवश्यकता क्या? फिर बकवादी आदमी है जो मेरे सामने झूठ बोलेगा। तो इसी प्रकार ऐसा ही अगर दूषित अंतःकरण आपका वहाँ रहा तो भगवान आपकी नहीं सुनेगा। वहाँ तो आप एक सांस की भी झूठ नहीं बोल सकते, सब इतिहास तुम्हारे सामने होगा, फिल्म चलेगी। तो इसलिए आप जी ने निष्कपट होना पड़ेगा। परमात्मा पाने के लिए कुछ अंतःकरण में विशेष सफाई रखनी पड़ेगी। तो वहाँ जब जाओगे आप, वहाँ बैठ जाओगे प्रणाम करके, फिर परमात्मा कहेगा कि चलो तुम्हारा हिसाब कराते हैं, अपने सतलोक चलेंगे। वहाँ जो इस काल के एजेंट बैठे हैं वहाँ पर, ये धर्मराज बैठा होगा, उसके पास जाएंगे प्रभु और कहेंगे हमारे इस भगत का हिसाब अकाउंट करो, ये तुम्हारे ओम नाम की कमाई तुम रखो, इसके बदले में कितनी कमाई चाहिए वो बोलो और रखो इसको, उसको छोड़ देंगे वहाँ पर। तो फिर वो ऋण मुक्त कर देगा, ब्रह्म काल हमारे को ऋण मुक्त कर देगा, फिर हम परमात्मा के साथ चलेंगे। आगे जो तत्व मंत्र है सतनाम का, दो अक्षर का मंत्र होता है जिसमें एक ओम अक्षर है, एक तत् गुप्त ही दास ही बता सकता है, या जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो पुण्यात्मा समझ रहे हैं। तो उस दूसरे मंत्र की भक्ति की कमाई, सिमरण की कमाई फिर इस अक्षर ब्रह्म को देंगे, सेकंड नंबर के जो भगवान हैं, एक ब्रह्म सेकंड नंबर अक्षर ब्रह्म और थर्ड एंड फाइनल वो परम अक्षर ब्रह्म। तो उस तत्नाम की कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म को दे देंगे, फिर ये हमें रास्ता देगा अपने सात संग ब्रह्मांडों में से जाने का, सहयोग देगा, विशेष व्यवस्था करेगा आपकी वहाँ से लेकर वहाँ तक छोड़ के आने की, ये यहाँ नियम बना रखा प्रभु ने। और जो तीसरा मंत्र ओम तत् सत में जो सत्य है वो सार नाम है, वो सार नाम जो है वो हमारे परमात्मा की पूजा है, वो हमारे हिस्से की कमाई है। जैसे पति भर्ता पत्नी अपने परिवार से अलग होती है अपने पति के साथ, अपनी वस्तुओं को सीने से लगाकर उठा उठा कर अलग रख लेती है, तो उस तीसरे मंत्र की कमाई जो हमें सतलोक में स्थाई स्थान देगी, ऐसे हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह है पूर्ण मोक्ष मार्ग जो आपको दिया जा चुका है। और फिर भी कोई किसी के कहने से भ्रमित होता है तो दुर्भाग्य उस प्राणी का। इस दास के अतिरिक्त यदि आपको कोई भी भ्रमित करने की चेष्टा करता है, ऐसे भजन करो ऐसा करो, वो आपका शत्रु है और आप कति बौड़ी बूछ हैं, आपने क्या है गानी बेरा। गुरु को तजय भजय जो आना था पशुआ को फोकट ज्ञाना। थोड़ा सा और हिंट दे दूं, क्योंकि जब कीड़ा लगता है फसल में तो किसान को बहुत दुख होता है, माली के जो पौधे खराब होते दिखते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से उनको तैयार करता है। तोड़ने वाला तो एक मिनट में खराब कर दे, कीड़ा दो मिनट में उसने खाकर नष्ट कर दे। पहले दो बहनें हमारी सेविकाएं थी, फिर वो बुद्धि भ्रष्ट होगी उनकी, एक में भूत आने लग गया, वो ड्रामा कर रही है कि इसमें कबीर जी आता है, और अपनी ही संगत में से कुछ एक को कीड़ा लग गया था, 10-20 भक्तों के बहनों के, और उनकी पता ना बुद्धि क्यों कर मारेगी, अब तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो पता नहीं कैसे भ्रष्ट हो गए थे, हमारा कोई पाप ही अट गया था आगे, जो हम इतना ज्ञान सुनकर भी उन दुष्टाओं के साथ लग गए थे। तो उस एक में भूत आता है और वो कहता मैं कबीर हूँ, कभी कहता मैं रामपाल हूँ और मैं ही सतगुरु हूँ, पर दूसरी वह उसने भगवान समझ ली है, उसकी तो मती मारेगी। यहाँ आई एका दीवर एक दो भगत के उसने भी कान में फूक मार दी कि इसमें भगवान आता है, कबीर जी आता है, और ये फिर कहते हैं प्रेम करो इससे और गुरु जी को पति रूप में स्वीकार करो। जैसे सांसारिक पति होते हैं ना, ऐसी बकवाद करती है कि इन भोले वाला नता डिमूच कटार बन गए दुल्हन दो मिनट में। अरे भले आदमी हो,
वो आत्मा से परमात्मा का लिंक है, बॉडी से नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, ये सारे भारत के पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। तो परमात्मा तो सबका पति है, हम उसको माने या ना माने, वो तो अंडरस्टूड है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो अपनी माँ के भी पति, अपने बाप के भी पति, और हम सब के पति और अपने पति के भी पति, क्योंकि वो सबका मालिक है, हम उसकी जनता हैं, प्रजा हैं। तो ऐसे ही हमारा पति जो कबीर परमात्मा है, वो तो हम सबका पति है ही, उसको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं। वो हमारा सबका स्वामी है, एज ए पूर्ण ब्रह्म, हम उसके बच्चे हैं। और पता नहीं क्या क्या बकवास करके गई, कहते शादी मत कराओ, अपनी पत्नी से कोई लिंक ना रखो, ऐसी बकवास करी। और कहते इसमें कबीर साहब आता है, तो मुझे पता चला जब इनको अड्डे हाथों लिया जो नालायक उसके पीछे लगे थे। ये पितर होते हैं ना, पिछले जन्म के कोई पुनकर्मी प्राणी होते हैं, और वो क्या करते हैं कि साधना ठीक मिलती नहीं, फिर वो पितर रूप बन जाते हैं। और पितर रूप में उसको पिछली अपनी याददाश्त, अपनी क्रियाएं बहुत सी याद रहती हैं, और वो किसी अच्छी आत्मा में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो उस आत्मा को तो दाब लेते हैं, उसको ऊपर नहीं आने देते, और वो रहती उसी शरीर में है, और वो फिर अपनी बकवाद गढ़ते हैं। जैसे यो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, यो एक भूत का, प्रेत का चलाया हुआ है। श्री लेखराम जी जौहरी थे, सराफ थे ये मुंबई में, लेखराज जी ये अरोड़ा जाति से थे। इनकी जीवनी में लिखा है कि इनके घर पर सत्संग हो रहा था, कोई संत महात्मा आए हुए थे, और ये पीछे बैठे सत्संग सुने थे। थोड़ी सी देर में इनकी आंख लाल होगी, ऐसे शरीर अकड़ गया और ऐसे गिर गए। दो तीन घंटे में जाकर होश आया, फिर वो बोलने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं स्यो हूँ, स्यो हम। वो भूत था। अपन आत्मा विचार करो, ये बहुत गहराई की बातें, बालकों का खेल नहीं, ये दात्म ज्ञान है। ये तो बंदर का ठहरी हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते हैं, एक छोटे से मंत्र को, एक छोटी सी बात को लेकर के। आपको बार बार सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, एक ना करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें, हर हट डोर बंदे सब आवें, ये कोटिक करता फिरता देख्या, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर को हर हट डोर बताते हैं। हर हट डोर कैसे है, जैसे कुएं में पहले ऊपर एक पुली बना करके उसके ऊपर एक चैन डाल दिया करते लोहे की, बहुत लंबी, जैसे पानी तक जाती थी, 100 फुट लंबी चैन ऊपर पुली पर डाल देते थे, और उसके बाल्टियां वेल्ड कर देते थे, फिर उसको घुमाते थे तो वो चक्कर चलता था, तो पानी सिंचाई के लिए कुएं से बाहर आता था, बैलों के द्वारा चलाया जाता था। अब वर्तमान के बच्चों को ये अरहट का पता नहीं, लेकिन इस दास ने अरहट ये देखा हुआ है, क्योंकि किसान परिवार में जन्म था इस दास का। तो पहले हमारे तो यहाँ नहीं थे, पर दूर देश में जैसे जाते थे वहाँ देखा करते थे, अब वो समाप्त हो चुके। ये देखिएगा, एक ऐसे रहट होता था, अरहट, इसको रहट बोलते हैं। ये समझ ले, ये बैल है, ये कुआ है, ये सारा कुआ है ये, और इसको यहाँ से पानी दिखाया गया इसमें एक चित्र में, वैसे आपको समझाने के लिए। तो ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से ये एक चैन, एक बहुत बड़ी चैन डाल दी जाती थी, इस चैन के ऊपर के ये बाल्टियाँ वेल्ड कर दी जाती हैं, बैलों द्वारा चलाया जाता था या ऊंट द्वारा। तो ये जब पुली घूमती थी तो ये चैन चलती थी, नीचे से बाल्टी पानी से भर कर आती थी, और ऊपर आकर के यहाँ जब टेढ़ी होती खाली हो जाती थी, और यहाँ से जल फिर खेतों में चला जाता है, ये सिंचाई हो जाती थी। ये ऐसे जैसे यहाँ पानी निकल कर आया, बाल्टी यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली टेढ़ी होती, पानी गिर जाता और ये यहाँ से निकल जाता, और ये बाल्टियाँ फिर खाली बाल्टी नीचे आती, यहाँ से भरती और फिर भरी ऊपर जाती,
और यहाँ खाली होती, फिर चलती, फिर आती, फिर चलता, फिर आता, यानी ये अरहट का कुआं कहा जाता है कि नीचे से भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, और अंत में ये बाल्टी गैसकेट टूट जाती। तो क्या बताते हैं, ये अरहट का कुआं लोई यागल बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। और ये कोटे करता फिरता देखा, हर हट डोर कहो सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। कितनी प्यारा ज्ञान दिया पुणात्माओं, ये बात मारे ना गले उतरिया करती कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। अरे इव इनकी इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। तो अब ये ब्रह्मा कुमारी पंथ की पोल न्यों पटेगी, आपने ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो। अब ये है श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, कल भी दिखाया था, क्योंकि ये रोज जैसे हम खाना खाते हैं तो प्रतिदिन आहार की आवश्यकता पड़ती है सुबह शाम, ऐसे ही पुण्यात्माओं आपके अंदर परमात्मा के ज्ञान को सुनने की इतनी इच्छा प्रबल रहे और तो आप स्वस्थ हैं, आपकी भक्ति ठीक चल रही है, तो ज्ञान को जितनी बार सुने उतना ही अच्छा लगे, क्योंकि ये भगवान की चर्चा है, ये कोई फिल्मी गाने नहीं है कि 10 बार सुन ले बोर हो जा दूंगी, नहीं, लाखों बार सुनोगे तो भी आनंद आएगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है। तो ये देखो तीसरा स्कंद और 123 पृष्ठ पे, तुम विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव जन्म त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस 5-4 पंक्तियों से क्या कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक तो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दूसरा ये हो गया कि इनकी माँ दुर्गा है, अभी इनको अजर अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, ये दंत कथा थी, लोक वेदता वो झूठा ज्ञान हमारे हृदय में ठोक रखा था इन अज्ञानियों ने, और इन्हीं पुराणों की आड़ लेकर हमें ये ज्ञान बताया करते थे, इन्हीं का समर्थन प्रमाण बताते थे, शिव पुराण में ऐसा लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा, और वही पुराण आज हम पढ़ रहे हैं जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने का अपनी अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में, यानी सूक्ष्म वेद में एज इट इज लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु नाशवान है, दुर्गा इनकी माँ है और काल इनका पिता है, इसलिए हम भगवान को नहीं पहचान पाए क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो अब ये शिक्षा का दौर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से हुआ है इस कलयुग में, और इस शिक्षा का हमें बहुत दोष है, बहुत ज़्यादा इसमें अवगुण है, इसमें गुण यही है कि हम सदग्रंथों को पहचान सकते हैं, नहीं तो शिक्षा ने हमें चतुर बना दिया, अपना नाश करने के लिए तैयार कर दिए, परमाणु बम बनवा दिए, ऐसा विघ्न तार दिया कि ये पृथ्वी को भी नाश कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे प्रभु, अब धीरे धीरे ये एकदम शांति फिर फैलेगी इस तत्व ज्ञान से, सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर आओगा पूरे विश्व में, थोड़े ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं तो आग लगी पड़ी है आज के, कैसा हाल होगा जीव का, कि तो मिनिस्ट्रान देख ले, जब कोई भी निर्मल होता है रोज़ कथाएँ सुनते हैं, फलाना हो गया, ऐसा कर गया, वो बिक गया, फलाना नहीं हो गया, किसी क्षेत्र में अधिकारी के कार्यालयों में जा कर देख ले, आग लगी पड़ी है, पैसे बिना कोई
कलम नहीं उठा कर जी। माया माया दिखाई देती है इनको, ये नहीं दिखता कि तुम्हारे ऊपर आपत्ति भी आओगी। बालकों की तरह ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो एकदम सत्र इतना गिरा दिया काल ने, क्योंकि भक्ति योग आना था और इसने कह रखा कि जब भक्ति योग आएगा, और कबीर जी से कहा था कि जब तुम अपना संत भेजोगे उस समय तक इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा मानव को कि भक्ति योग रहेंगे ही नहीं। लेकिन परमात्मा के पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो अपने बच्चों को योग्य भी बनाएंगे और भक्ति भी देंगे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको पहचान रहे हैं, अब कंसेप्ट चार क्लियर हो गए इसमें। एक तो ये हो गया कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, ये किसी को राहत भी नहीं दे सकते, किसी के कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते। पाप है तो पाप ही भोगना पड़ेगा, एज इट इज देंगे, जैसा कर्म किया वैसा ही फल ये दे सकते हैं, ये पाप नाश नहीं कर सकते। पाप नाश केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर देव ही कर सकता है, जिसकी शरण आपको मिल चुकी है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन इतनी ही रात्रि होती है। इसको हम लंब संप ले लेते हैं 1000 चतुर्युग की, 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ऐसे ब्रह्मा के दिन रात बनते हैं। और एक चतुर्युग में कितने हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार युगों के कुल वर्ष, मनुष्यों के वर्ष हम लगाएं तो 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में होते हैं। और ऐसे इसको 2000 से गुणा कर दिया तो ऐसे दिन रात बना ब्रह्मा का एक, तो हम लेकर चलते 2000 चतुर्युग का दिन रात हो गया ब्रह्मा जी का, 30 दिन का महीना हो गया और 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं ब्रह्मा जी के, 51वां वर्ष चल रहा है, यो मरेगा, इसकी मृत्यु होगी। फिर नया ब्रह्मा ये तैयार करके रखता है दुर्गा से, अपनी पत्नी से काल एक नया पुत्र उत्पन्न कर लेता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, फिर इनको अचेत रखता है, इसको पता है इसकी मृत्यु होती है, इसको वहाँ कमल के फूट पर बैठा दूंगा, वहाँ प्रकट कर दूंगा। तो 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी, और ऐसे 70,000 जब शिव मर लेंगे तब एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, ब्रह्म की मृत्यु होगी जो एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये युग होगा, ये युग होगा अक्षर ब्रह्म का, परब्रह्म का, और ऐसे ही उस अक्षर ब्रह्म की 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना इसमें, इसमें चतुर्युग नहीं लगेगा, ब्रह्मा की आयु में चतुर्युग आता है, इस परब्रह्म की आयु में ओनली युग है। ऐसे बना हुआ एक युग, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और अक्षर ब्रह्म की ऐसे बनी हुई 100 वर्ष की आयु है। अक्षर ब्रह्म भी यानी परब्रह्म का विनाश होगा, केवल परम अक्षर ब्रह्म ये वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इन तीन भगवानों का न्यारा न्यारा विवरण है, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तु अन्य, जिसको परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरणमाविश्य विवृति अवैश्वर, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो ये तीन परमात्मा हैं। तो अब हम उसी में आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ कहाँ से चला, ऐसे कोई आत्मा जो कभी ब्रह्मा के पद पर रही है और कभी वो शिव के पद पर भी रही है, तो वो भूत बना हुआ फिर रहा है, और वो पिछली वो अकड़ उसकी जाती को ना, वो उस लेखराज जीव में प्रवेश कर गया, और वो कभी कहता शिवो हम, मैं शिव हूँ, शिवो हम, कदे कहे हम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उस भूत ने इतना डंगा पैदा कर दिया, ये कोई नारापन चलवा दिया। अब यही ट्राई करने की चेष्टा करते हैं, जैसे हमारे गांव में एक बहन है पड़ोस में, तो उसमें पहले आयत करती वह भूतनी, मैंने कहा अर्जी मैं माई बोल रही हूँ, मैं माता बोल रही हूँ, और उसमें भूत बढ़ रहे कई, तो वह लागी जाड़े जुड़े लाणोरा कभी,
वहाँ लाइन लगन लाएगी उसके उस बेबे के वरना आगे लाइन लगन लाएगी, किसी का झाड़ा लाओ और किसी को कुछ कहो लिया और कोई कुचड़ आ जाए। कुछ दिनों के बाद वह बैटरी डिस्चार्ज होगी उस बूथ की जो उसमें बढ़ रही थी वह बूथ नहीं, क्योंकि पिछले पुन थे वो ख़त्म कर दिए झाड़ी ला ला के। फिर क्या हुआ, वो भूत ठाठा ठोकन लग गए उस माई ने उस बहन को, वह सारे दिखा लिए धक्के खा लिए कि तारा मिला। फिर क्रोथर आ करते हैं वहाँ ले आए उसने, और जब उसने नाम लिया जब उसका पीछा छूटा वो जब वह माता बाजी उसमें तो वह बागी का जान बच्ची ना तो पड़ी रहा करती सारे दिन कि तो टक्कर मारा करती। तो ऐसी दुर्गति होगी इन दुष्टों की जो दुष्ट आत्माओं की जो यहाँ आग लगाने की चेष्टा करे थे। अब तो हमारे बच्चे बहुत सयाने समझदार हैं, हम तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो भी हमारे भक्तों को डगमग नहीं कर सकते, ये दो कूतरू ये चेष्टा की थी यहाँ बकवाद करने की। ऐसा तो कहने का भाव ये है कि आप जी को दास ये चाहता कि इतना तैयार कर दूं आप पीछे की तरह फिर मार ना खाओ। अपनात्मा जो प्रसंग चल रहा था कि हम मोक्ष प्राप्ति कैसे करेंगे, हम ओम नाम का जाप ब्रह्म को देंगे, तो ये जो दास ने आपको मौखिक कथा सुनाई परमात्मा पाने की सतलोक जाने की, तो इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, ना तो आपका जचे कोई ना, क्योंकि आप तो अन्य संतों के द्वारा इतने भ्रमित हैं, कोई कुछ भी नाम दे दो, संत कोई भी नाम दे दे उससे तो मोक्ष हो जाएगा, अरे घर का राज बना रखा है। आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, आम के स्थान में कोई और बीज कोई देता है, और कोई ये कहे कोई बीज दे दे वो विक्रेता उसी से आम लग जाएगा, नहीं। हाँ, वो अगर वो आम का ही बीज दे रखा है तो वो आम का पेड़ है। तो नाम से मोक्ष होता है, तो ये नाम आप जी बहुत गलत जाप करा करते, ज्ञान था ही नहीं, श्रद्धा बहुत थी, जैसा भी नाम मिला उससे अगर रट्टा ला दिया। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थानम माने वो स्थान जो कभी नष्ट ना हो, सदा रहने वाला, कभी नाश में ना आवे। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में है, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ओम जाप है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है वो ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कहा है उसका मंत्र तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में उसी की सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान में उस सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में वर्णन है विस्तार से, उसको तत्वदर्शी संतों से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये विवरण है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम मंत्र में कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी पार्ट सहित जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है और शाखा क्या पात कौन है, जो ये बता देगा स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने, 120 वर्ष बनारस में काशी में रहे और वो जुलाहा कहलाए, दाहणक कवाए। उन्होंने आकर के अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र उप संसार। तो उस तत्वदर्शी संत परमात्मा द्वारा दिया गया वो ज्ञान आज दास आपको सार्वजनिक कर रहा है,
और उसी से मोक्ष होगा। इस दास को आदेश मिला इस खजाने को खोलने का और बांटने का अपनी प्यारी आत्माओं को। गीता ज्ञानदाता कहता है कि 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, वो अविनाशी पद प्राप्त करते हैं। और वो परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ और उसी की भक्ति करनी चाहिए अनन्य मन से, पूरी श्रद्धा से। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का अति रहस्यमय ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, इब तेरी इच्छा जैसा तेरा मन माने ऐसा कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है, तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी, हम सथाई नहीं हैं और युद्ध भी करना ही पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7, 5 और 13 में कहा कि मेरा ओम एक अक्षर है, इसकी जाप कर और तू युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर मेरा स्मरण भी कर और इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में तो ये कहा है कि ये एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया गीता जी का। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा कि एक गुप्त से गुप्त और भेद बता देते रहते हैं, जिस भगवान जिस परमेश्वर के बारे में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में मैं बता रहा हूँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा तू, वो मेरा भी पूज्य देव है। अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलती की है, तो दोबारा रहस्यमय भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो पहले बता दिया गीता वाला ज्ञान तो ये एक रहस्यमय भेद है मेरा आपको दे दिया। और इसमें बताया कि वो मेरा भी इष्ट है, देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। परमेश्वर स्वयं कहते हैं उस गोरखनाथ जी को तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन युद्धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है। अब ध्यान क्या चीज है? ध्यान एक यज्ञ होती है, मेडिटेशन मेडिटेशन का जो गाटा जोड़ रहे हैं ये तो एक यज्ञ होती है, जैसे 5 यज्ञ हैं, एक यज्ञ है धर्म की। दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। चौथी एक प्रणाम। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ये 500 यज्ञ तो ये समझ लो कि जैसे कोई दीर्घ रोगी है उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ये यज्ञ तो ग्लूकोज का काम करती है और रोग काटन की औषधि टेबलेट्स इंजेक्शन ऑपरेशंस वो अलग से ट्रीटमेंट है। तो ये जो और मंत्र हैं जाप के आपको दिए जाते हैं तीनों और ये कमल खोलने वाले, तो ये अलग से टेबलेट्स हैं। तो जैसे कोई ध्यान लगाता है ये ओनली एक यज्ञ है, मेडिटेशन है। इससे क्या होता है कि इससे राज्य प्राप्त होता है, मेडिटेशन से बैठने से तप बनता है, तप से राज बनता है। और मेडिटेशन लगता कैसे है आपको कल बताया था, मेडिटेशन होता किसका है कि जैसे पुनकर्मी प्राणी ही परमात्मा की पाने की ट्राई करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनका कुछ ऐसे पुण्य होते हैं, वो उनकी सुरती जब वो ध्यान अंदर हठ योग शुरू करते हैं, सुरत को घुमाते हैं अंदर आत्मा को, तो वो पिछले संस्कार से कोई चैनल खुल जाता है, कोई कमल खिल जाता है, थोड़ा सा सुराख मिल जाता है, वो उसी में प्रवेश करके और उस ब्रह्मांड उस लोक में जो हो रही आतिशबाजियाँ और उसमें देखता रहता है ना। तो यो मन 2 मिनट भी ना बैठने दे प्राणी ने, जब बैठा गया करा कि धके खुआ हुआ है। तो वो क्या होता है कि यहाँ के जो सैर सपट्टे आते हैं ऊपर के सैर सपट्टे घने अच्छे,
जैसे मेले में जाते हो आप, पहले जाया करते हम 16 दिन धक्के खाए जाते और नोना पता लगता शाम कुटबर होगी, वो मेला उठ लेता जो पाछे ताया करते, और सारा दिन खो देते पता नहीं लगता वहाँ कोई पी पी बजा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कि तो रग नहीं गा रहे हैं, कि तो और पंगा पा रहे हैं, वो सारा दिन नो खोया तेर शाम न वापस धक्के खा कर आ जाते। तो ऐसे वो मेडिटेशन उनका होता है, अंदर कोई आतिशबाजियाँ उनको दिखाई देने लग जाती हैं, तो फिर वो वहाँ टिका रहे हैं मन, और उधर से उसका फिर तप बन जाता है। तो ऐसे ये कहानी बिगड़ी हुई। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन वो मेरा भी पूज्य देव है, अर्थात मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ। तो परमात्मा ने भी सब कहा है कि ये तरह जो स्वरूपी अलख निरंजन, ये ब्रह्म, ये धरता ध्यान हमारा, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक भी मेरा ध्यान करता है। तब इसके ध्यान की प्रतिफल से इसका 21 ब्रह्मांड यूँ चल रहा है, ये इसका राज्य है, मैं भक्ति से और इसको टुकड़ा डाल देता हूँ, इसका ये 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में कहा कि अर्जुन यदि तन मेरी शरण में रहा है तो सर्वभाव से मेरी ही शरण में आ जा और मेरे वाला जाप कर, फिर और देवताओं की पूजा मत करना, मुझे ही इष्ट रूप में जान, निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। ये तो अंडरस्टूड है, जो जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, जो जिसका श्रवण करेगा उसके पास पहुँच जाएगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि यदि तूने उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उस एकम शरणम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय है, जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो, तो उसमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम तो वह सर्व पापे मोक्षामि मासुच। सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सतर की जितनी तन धार्मिक साधनाएं की हैं वो मुझ में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज, तब तू उस एक सर्वशक्तिमान जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उस परमात्मा की शरण में जा। और इन अनाड़िया ने सब ने उल्टा अनुवाद कर रखा है, सासाराम जी आले आश्रम ने भी, और किसी ने देख लेते सुधांशु जी आले ने, जो भी सतपाल जी आले और ये इसको नाड़ा ने सारे ने बैठा बैठा रखा, इस अनुवाद गलत कर दिया, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। ये श्री कृष्ण जी को और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान के इसका अनुवाद कर रहे थे, जबकि ये गलत था। तो हम क्या करते हैं कि इस ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में खाते बर्बाद कर देते थे, अब हम इसके ओम नाम की कमाई को छुएंगे नहीं, इसकी ज्यों की तो संभलवा देंगे, और उसके प्रतिफल में जो हमारे ऊपर पाप होते थे पुण्य तो वहाँ खा लेते, और पाप नरक में फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनियाँ भोगा करते थे, ये हमें फिर सजा देता था। तो अब हम इसकी पूंजी संभलवा देंगे ज्यो की तो ओम नाम के जाप की, और जो विधि दास आपको बता रहा है इससे बहुत ज़्यादा कमाई बन जाती है। एक श्वास उस श्वास की जो कीमत है, एक सतनाम के मंत्र की कितनी कीमत है जो विधिवत साधना की जाती है। अब ये श्वास से सिमरण होता सतनाम का दो अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं श्वास से और एक अंदर लेते हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बाहर छोड़ रहा हूँ क्या अंदर ले रहा हूँ, इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।